तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्योंकि हम लोग सीख रहे थे पैरामीटर्स वर्सेस एट्रीब्यूट्स। जावा के वेब एप्लीकेशन में पैरामीटर्स का क्या रोल है और एट्रीब्यूट्स का क्या रोल है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और बेसिकली हम लोग प्रैक्टिकल भी करेंगे एट्रीब्यूट्स को कैसे सेट करते हैं और कैसे गेट करते हैं। तो हम लोग स्क्रीन पर जैसा देख पा रहे हैं, दीज आर द ऑब्जेक्ट्स दैट आर अटैच्ड बाय वन सर्वलेट टू ऑब्जेक्ट्स सेशन रिक्वेस्ट कॉन्फिग कॉन्टेक्ट एंड अदर सर्वलेट कैन फेच दैट ऑब्जेक्ट टू प्रोसेस द लॉजिक। तो बेसिकली सर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स आर दोज वैल्यूज, एट्रीब्यूट्स वो वैल्यूज होती हैं जिसे एक सर्वलेट सेट करता है और दूसरा सर्वलेट गेट करता है। जैसे आपने यहाँ पे बनाया एक सर्वलेट S1 और एक सर्वलेट बनाया है S2, यहाँ पे दो सर्वलेट बनाए हैं। तो जब इसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो ये क्या कर सकता है कि ये मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट, तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट बाय डिफॉल्ट इसे मिल इस सर्वलेट को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला सर्वलेट क्या कर सकता है, ये रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर सकता है, प्रोसेस करने के बाद यहाँ पे कोई वैल्यू रख सकता है इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में, दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट में वैल्यू आ गई है। और फिर ये क्या कर रहा है, ये क्या कर सकता है, ये इस रिक्वेस्ट को, इस वाले रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर सकता है S2 पे। अब क्योंकि रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दिया है तो यही वाला रिक्वेस्ट यहाँ पे भी आ जाएगा, और क्योंकि एट्रीब्यूट्स यहाँ पे सेट कर दिया था तो ये दूसरा सर्वलेट क्या करेगा, उसी वैल्यू को यहाँ पे फेच कर सकता है। दैट मीन्स एक सर्वलेट वैल्यूज को रख सकता है, अगर ये ऑब्जेक्ट इसके पास पहुँच गया तो दूसरा सर्वलेट इसको निकाल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लेट्स सपोज एक सेशन का ऑब्जेक्ट है, सेशन का ऑब्जेक्ट है, और जैसे ही इसके पास रिक्वेस्ट आई ये प्रोसेस हुआ और इसने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे रख दी हैं, सर्वलेट वन ने रखी, सर्वलेट टू उसे क्या कर सकता है, निकाल सकता है। दैट मीन्स एट्रीब्यूट्स ऐसे वैल्यूज़ होती हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें एक सर्वलेट रख सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, फिर वो चाहे सेशन हो, कॉन्टेक्स्ट हो, कॉन्फिग हो, और दूसरा सर्वलेट उसे क्या कर सकता है, फेच कर सकता है। तो ये एट्रीब्यूट्स कॉमनली जब आप एप्लीकेशन यूज़ करोगे, जब आप एप्लीकेशन बनाओगे, डेटा को शेयर करना होगा, तो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। एट्रीब्यूट्स को आप सेट करोगे और दूसरा सर्वलेट से गेट करेगा। तो बेसिकली ये सर्वलेट सेट करता है ना कि यूज़र देता है, पैरामीटर्स जो था वो यूज़र प्रोवाइड करता था, बट एट्रीब्यूट्स एक सर्वलेट सेट करेगा, दूसरा सर्वलेट फेच करेगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको जानने की ज़रूरत है कि पैरामीटर्स यूज़र प्रोवाइड करता है बट एट्रीब्यूट्स एक सर्वलेट सेट करता है दूसरे सर्वलेट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, सर्वलेट कैन मॉडिफाई ऐड और रिमूव द कंटेंट ऑफ द एट्रीब्यूट वेयर व्हेन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है जब एक सर्वलेट ने सेट किया है एट्रीब्यूट को, एक सर्वलेट ने अगर एट्रीब्यूट को सेट कर दिया है दूसरे ऑब्जेक्ट में यहाँ पे, तो दूसरा सर्वलेट इसको गेट भी कर सकता है, इसको रिमूव भी कर सकता है, इसको चेंज भी कर सकता है। बट पैरामीटर्स में ऐसा नहीं होता था, पैरामीटर्स में क्या था, अगर यूज़र ने दे दिया तो सर्वलेट सिर्फ गेट करके उस पर काम कर पाएगा, बट एट्रीब्यूट्स क्योंकि सर्वलेट ने फेच किया है इंटरनल वर्किंग के लिए, सर्वलेट को कम्युनिकेट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, इसीलिए दूसरा सर्वलेट उस वैल्यू को बदल सकता है, ऐड कर सकता है नई वैल्यू, या उसे रिमूव भी कर सकता है जब भी उसे ज़रूरत हो। इन वैल्यूज़ को सेट और गेट और रिमूव करने के लिए कुछ फंक्शंस हमें मिलेंगे हर एक ऑब्जेक्ट में। जैसे अगर आपको एट्रीब्यूट सेट करने हैं तो फंक्शन कॉल करना होगा सेट एट्रीब्यूट, और आपको नेम देना होगा और यहाँ पे वैल्यू देने होगी। अब ये वैल्यू मैंने पर्टिकुलरली स्ट्रिंग ले लिया, बट एक्चुअली इस वैल्यू का टाइप होता है ऑब्जेक्ट, इस वैल्यू का टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, मैंने पर्टिकुलर अपने केस के लिए क्या ले लिया था, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की वैल्यू पास कर सकते हो, बट आप यहाँ पे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट या फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हो, ये डिपेंड करेगा आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली स्ट्रिंग नहीं दे सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट होगा, ऐसा भी कह सकते हो, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी थी, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू होती है और यहाँ पे स्ट्रिंग ही मस्ट है। तो जो की होती है वो स्ट्रिंग होती है, जो वैल्यू होता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो जाए। अगर ये तो सेट करने का था, अगर आपको गेट करना है तो आप क्या कॉल करोगे, गेट एट्रीब्यूट, और आप जो आपने नाम दिया था उस वैल्यू का वो नाम यहाँ पास कर दोगे, आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको रिमूव करना है एट्रीब्यूट तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे रिमूव एट्रीब्यूट फंक्शन कॉल कर सकते हो और आप की दे दो, ये वैल्यू को रिमूव कर देगा। फॉर एग्जांपल लेट सपोज आपको सर्वलेट से वैल्यू सेट करनी, सर्वलेट पे एट्रीब्यूट को सेट करना है, तो अगर आपको सेट करना है तो आप कॉल करोगे, जैसे लेट सपोज आपको रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में सेट करना है तो हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट, और हम यहाँ पे ले लेंगे नाम, तो लेट अस सपोज हमने कहा यूज़र और हमने कॉमा लगा के एक यूज़र का ऑब्जेक्ट पुट कर दिया, तो इसने क्या किया, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में की वैल्यू फिर यूज़र और फिर यूज़र का ऑब्जेक्ट रख दिया है। अब आपको वैल्यू गेट करनी है तो आपको क्या करना है, रिक्वेस्ट
डॉट गेट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट और अपनी की देनी है यूज़र, अपने आप से ये ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट में इसको रख लेंगे। और अगर आपको यूज़र ऑब्जेक्ट लेना है तो आपको क्या करना होगा यहाँ पे, क्योंकि रिटर्न ऑब्जेक्ट करता है, तो अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आपको टाइप कास्टिंग भी करनी पड़ जाएगी। किस टाइप में, यूज़र टाइप में। तो आप ऐसे गेट कर सकते हो। लेट अस सपोज आपको कहीं भी इसको रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, रिक्वेस्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, तो आप और की दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सेट करोगे, गेट करोगे, रिमूव करोगे, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो एट्रीब्यूट्स को। बट आपको याद ही रखना है कि एट्रीब्यूट्स एक सर्वलेट सेट कर सकता है, दूसरा सर्वलेट से गेट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिमूव कर सकता है प्रोसेसिंग के लिए, बेसिकली डेटा को यहाँ से वहाँ तक ले जाने के लिए पूरे वेब एप्लीकेशन में, इसे हम लोग यूज़ करते हैं। बट जो पैरामीटर्स होते हैं वो वैल्यूज़ यूज़र प्रोवाइड करता है, ना कि सर्वलेट प्रोवाइड करता है। तो पैरामीटर्स आर द वैल्यूज़ प्रोवाइडेड बाय द यूज़र एंड सर एट्रीब्यूट्स आर द वैल्यूज़ दैट आर attributes are the values that are set by the servlet and get modify and remove by the servlet। तो फ्रेंड्स हम लोग अब देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने NetBeans पे चलते हैं। तो हमारा यहाँ NetBeans ओपन है और हम लोग क्या करेंगे, देखिए हमारे पास एक YouTube नाम का एप्लीकेशन है, इसको मैं रन करता हूँ और रन करने के बाद देखते हैं आउटपुट क्या है, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ओपन है। अब हम लोग, मैं समझा देता हूँ मैं करने के वाला हूँ और यूज़ केस क्या है हमारा, इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे एट्रीब्यूट्स को। तो मैं आपको पहले समझा देता हूँ, मैं बेसिकली दो सर्वलेट बनाने वाला हूँ। सर्वलेट यहाँ पे एक सर्वलेट बन जाएगा और एक सर्वलेट यहाँ पे बन जाएगा। इस सर्वलेट का मैं नाम दूंगा S1 और इस सर्वलेट का नाम दूंगा मैं S2। और मैं यहाँ पे एक इंडेक्स पेज बनाऊंगा और इंडेक्स पेज पे मैं, या हमारे इसी होम पेज पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो फील्ड्स बनाऊँगा। एक फील्ड में मैं डेटा लूँगा, एक नंबर जिसको हम लोग लेट अस सपोज N1 बोल सकते हैं, N1 लूँगा। और दूसरी फील्ड में मैं लूँगा N2 लूँगा। और मैं यहाँ पे बनाऊँगा एक बटन ओके की। तो जैसे ही आप ओके बटन क्लिक करोगे, ये N1 और N2 जो दो नंबर आप पास करोगे वो सबमिट हो जाएगा सर्वलेट वन पे। अब ये सर्वलेट वन क्या करेगा, ये सर्वलेट वन क्या करेगा, इस N1 की वैल्यू गेट करेगा और N2 की वैल्यू गेट करेगा। और गेट कहाँ से करेगा, गेट रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट से करेगा जो इसे मिलेगा, इट इज़ अ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या करेगा, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेगा और रखेगा एक S में। और फिर S को, क्योंकि S में सम रखा होगा, तो S को ये इस ऑब्जेक्ट में रख देगा, दैट मीन्स एट्रीब्यूट को सेट कर देगा और वो सम आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या करेगा, ये इस ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड कर देगा S2 को विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा S2 को, फॉरवर्ड हो गया। अब इसको सेम वही ऑब्जेक्ट मिलेगा यहाँ पे उस रिक्वेस्ट का, तो इस, क्योंकि वही ऑब्जेक्ट है तो इसके पास से हम निकाल सकते हैं तीन चीज़। एक N1 निकाल सकते हैं जो कि पैरामीटर था, यूज़र से आया था। एक N2 निकाल सकते हैं जो कि पैरामीटर था। और एक एट्रीब्यूट भी जो सर्वलेट वन ने सेट किया था, उस सम को भी निकाल सकते हैं। और हम लोग कैलकुलेशन भी करेंगे, एक निकालेंगे P और P में N1 इंटू N2 करेंगे, तो हमारे पास प्रोडक्ट भी हो जाएगा। प्रोडक्ट इस सर्वलेट में हम लोगों ने किया और सम हम लोगों ने S1 पे किया था। और हम यहाँ से जनरेट करेंगे आउटपुट सम इज इक्वल टू दिस एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू दिस, और यहाँ से हम भेज देंगे आपको क्लाइंट पे। तो यहाँ पे दिखने वाला है आउटपुट, उसको सम इज इक्वल टू दिस टू नंबर्स का सम और प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट। तो ये काम करेंगे एट्रीब्यूट्स और इसकी हेल्प से। तो चलिए फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं NetBeans में और करते हैं। हम लोग यहाँ पे फील्ड बनाते हैं और एक सर्वलेट बनाते हैं S1 और एक सर्वलेट बनाते हैं S2 और फिर सबमिट करके देखते हैं, यही काम हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग होम पेज पे हैं और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो फील्ड बनाएंगे। तो फील्ड बनाना बहुत ही सिंपल, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे Number1 इज इक्वल, पहले सबसे पहले फॉर्म बना लेते हैं। तो हम कहेंगे फॉर्म, और फॉर्म का एक्शन जो होगा वो हम लोग देंगे S1 सर्वलेट को, और मेथड क्या कर देंगे, मेथड यूज़ करेंगे हम लोग को पोस्ट या गेट यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेथड यूज़ करेंगे गेट। तो गेट तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म टैग को बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे N1 इक्वल टू इनपुट टाइप
इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, या नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, और नेम दे देंगे एन वन। उसके बाद हम फील्ड को बंद कर देंगे, एक लगाएंगे बी आर, और हम लोग इस फील्ड को कॉपी कर लेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, और जहाँ एन वन है वहाँ एन टू कर देंगे, और यहाँ भी एन टू कर देंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक बटन, तो बटन टाइप सबमिट, और हम लिख देंगे, इसको पहले बंद कर देते हैं, उसके बीच में लिख देते हैं ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो हम लोग को देख पाएंगे यहाँ पे, थोड़ा सा मैं जूम कर दे रहा हूँ, तो हम लोग देख पाएंगे यहाँ एन वन है, एन टू है, और यहाँ पे ओके की बटन है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ कुछ नंबर टाइप करते हैं और ओके करते हैं तो सर्वलेट वन चल रहा है, और सर्वलेट वन हम लोग ने बनाया नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सर्वलेट वन बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, देखिए मैं सोर्स पैकेजेस में जाऊँगा, और यहाँ पर मैं एक नया पैकेज बनाऊँगा, पैकेज का नाम दे दूँगा कॉम डॉट ए टी टी आर, और फिनिश कर दूँगा। और इस पैकेज में मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे जाऊँगा, और सर्वलेट बनाने का शॉर्टकट तरीका नेटबीन्स में, आप न्यू सर्वलेट करिए, और यहाँ पे आप एस वन, और फिर नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट करने के बाद ये कुछ आपसे पूछेगा मैपिंग के बारे में, तो हम लोग मैपिंग भी यहीं पे कर देंगे, जिससे कि हम लोग वेब डॉट एग्जाम्पल में मैनुअली हम लोग को मैपिंग ना करना पड़े, नेटबीन्स हमारा मैपिंग कर दे। तो जब आप नेक्स्ट करेंगे तो ये विंडो ओपन होगी, यहाँ पे हम लोग क्या टिक कर देंगे, ऐड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर दैट मीन वेब डॉट एग्जाम्पल। तो आप इस पर चेक कर दोगे, अगर आप इस पर चेक कर देते हो तो आपको मैनुअली जाके वेब डॉट एग्जाम्पल में मैपिंग नहीं करनी पड़ेगी, और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश कर देंगे। तो ये क्या करेगा, हमारे लिए सर्वलेट क्रिएट कर देगा। देखिए इसने क्लास एस वन बनाया एक्सटेंड एस टी टी पी सर्वलेट, और यहाँ पर हमको एक फंक्शन दे दिया प्रोसेस रिक्वेस्ट। तो होगा क्या, बेसिकली इसने दो फंक्शन नीचे ओवरराइड किए, देखिए डू गेट और डू पोस्ट मैथड, दो फंक्शन इसने ओवरराइड किया। और अगर गेट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आएगी तब भी प्रोसेस रिक्वेस्ट कॉल हो जाएगा ऊपर, और अगर पोस्ट के फॉर्म में रिक्वेस्ट आती है तब भी ऊपर वाला मैथड चल जाएगा। तो कोड हमें यहाँ पर लिखना है, तो हमारा सर्वलेट वन रेडी है। सर्वलेट वन पे क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटर्स फेच कर लेते हैं। तो मैं लूँगा यहाँ पे स्ट्रिंग एन वन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स, पैरामीटर्स हमेशा स्ट्रिंग में होंगे, एन वन में पास कर दूंगा, और फिर क्या करूँगा एक एन टू के लिए भी वैल्यू ले लूँगा, तो दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। अब हमें क्या करना है, दोनों को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इंटीजर एन एन वन ले लूँगा, और मैं क्या करूँगा इंटीजर डॉट पार्स इंट, और अपना एन वन को यहाँ पे पास कर दूँगा। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे एन टू के लिए भी कर लेंगे, तो एन एन टू। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, तो हम लोग एक इंटीजर एस ले लेंगे, और एन एन वन प्लस एन एन टू एडिशन हो गया। अब हम लोग यहाँ एट्रीब्यूट सेट करने जा रहे हैं, जो कि सर्वलेट सेट कर रहा है, सर्वलेट चलेगा तो सेट होगा। तो हम लोग कॉल करेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सॉरी रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और हम लोग यहाँ पास करेंगे सम और अपने एस की वैल्यू। तो ये क्या होगा, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में एक की वैल्यू पेयर आ जाएगा, जो कि हम लोग दूसरे सर्वलेट पे फेच कर पाएंगे। तो ये ऑब्जेक्ट था, दैट मीन्स इंटीजर भी एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट था, और जैसे ही ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा तो हम लोग दूसरे उस पे सर्वलेट पे इस वैल्यू को गेट कर पाएंगे। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, डिस्पैचर। तो हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्ट निकालते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर का, तो एक वेरिएबल बना लेते हैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर, आर डी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और हम लोग क्योंकि एस टू पे करेंगे तो एस टू का URL पैटर्न दे देते हैं, और हम लोग आर डी डॉट फॉरवर्ड कर देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग सर्वलेट टू बना लेते हैं, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, सर्वलेट पे जाएंगे, और यहाँ पे एस टू दे देंगे, नेक्स्ट करेंगे एड इन्फॉर्मेशन टू डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर, URL पैटर्न मुझे एस टू ही रखना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस टू यूज़ किए हैं। तो देखिए यहाँ पे स्मॉल एस है, यहाँ पे कैपिटल एस है, तो हम यहाँ पे स्मॉल एस टू कर देंगे और फिनिश कर देंगे इसको। तो हम लोग आ जाएंगे सेकंड सर्वलेट में, सेकंड सर्वलेट में हम लोग बॉडी टैग के अंदर आ जाएंगे, और यहाँ पे हम तीनों चीज़ फेच करेंगे। तो इस बार मैं डायरेक्ट कर दूंगा इंटीजर एन एन वन इज इक्वल टू इंटीजर डॉट पास इंट, और मैं यहाँ लिख दूंगा रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स को आप ऐसे फेच करोगे डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे आप लिख दोगे एन वन। अब हम लोग एन टू के लिए ऐसे ही कर लेंगे, तो होगा क्या, दोनों पैरामीटर्स फेच हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीजर पी ले लेंगे और एन एन वन इंटू एन एन टू, प्रोडक्ट निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट को निकालते हैं, गेट एट्रीब्यूट
फ्रॉम रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड हो क्या है, दैट मीन्स वही ऑब्जेक्ट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट गेट एट्रीब्यूट, और एट्रीब्यूट में हम लोग क्या करेंगे, अपना की पास कर देंगे जो हम लोग ने इधर लिया था सम। तो हम इस सम को यहाँ पास कर देंगे तो सम की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लोग यहाँ इंटीजर सम, हम लोग क्या करेंगे आउटपुट यहाँ से जनरेट करेंगे। तो मैं लिखूँगा आउट डॉट, अच्छा देखिए जब आपने गेट एट्रीब्यूट कॉल किया तो आपको ये ऑब्जेक्ट देगा, तो मैं क्या करूँगा इसको कन्वर्ट कर दूंगा इंटीजर में, टाइपकास्ट कर दूंगा, इंटीजर में टाइपकास्ट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे आउट डॉट प्रिंट ln, और हम लोग यहाँ पे देखिए लिखेंगे सम इज इक्वल टू, और हम लोग s या सम की वैल्यू प्रिंट कर देंगे। उसके बाद हम लोग को प्रोडक्ट प्रिंट करना है p, तो हम p ले लेंगे, और यहाँ प्रोडक्ट इज प्रोडक्ट, ठीक है। और उससे पहले मैं क्या करता हूँ h1 टैग एक ओपन कर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक h1 टैग ओपन करता हूँ स्ट्रिंग में, क्योंकि ये जाएगा एज अ html। और फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे h1 टैग को क्लोज कर देता हूँ, तो प्रोडक्ट सम आ जाएगा आपको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं फॉर्म को चेक करता हूँ कि फॉर्म में जो मैंने सबमिशन किया है स्मॉल s1 है, तो स्मॉल s1 को हम कैपिटल s1 कर देते हैं, क्योंकि url पैटर्न आप चेक कर सकते हो web.xml में। तो स्मॉल अगर s1 है तो आप web.xml में चलिए, दोनों का url पैटर्न स्मॉल s1 और स्मॉल s2 है। इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कैपिटल हो गया था, तो इसको स्मॉल s1 कर देते हैं और इसको स्मॉल s2 कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे। ये वही चीज़ होंगी जो हम लोगों ने डायग्राम पे देखा था। हम लोगों ने 12 दिया और यहाँ पे 24 दिया, और ओके करूँ तो देखिए सम इज 33 एंड प्रोडक्ट इज 254। ये एक्चुअली हुआ ही है, ये सम हुआ था सर्वलेट 1 पे, दैट मीन्स s1 पे, और ये प्रोडक्ट हुआ है s2 पे। ये एस सम हो गया था, फिर ये एट्रीब्यूट सेट हो गया था, ये फॉरवर्ड हो गया था रिक्वेस्ट, और s2 ने क्या किया इस एट्रीब्यूट को निकाला है, फिर इसको प्रिंट किया, प्रोडक्ट करके प्रिंट किया। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट का सिंपल सा पूरा एग्जांपल है जिसमें पैरामीटर्स भी यूज़ हो रहा है, एट्रीब्यूट्स भी यूज़ हो रहा है। तो अगर मैं 34 देता हूँ और यहाँ पे कोई वैल्यू देता हूँ, देखिए सम इज एंड प्रोडक्ट इज, दैट मीन्स दोनों सर्वलेट काम चल रहे हैं, रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एट्रीब्यूट को भी सेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ में पैरामीटर्स की वैल्यूज को फॉर्म से गेट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग पैरामीटर्स और एट्रीब्यूट्स और रिक्वेस्ट डिस्पैचर को यूज़ कर सकते हैं, और एक एग्जांपल भी देखा जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, पैरामीटर्स को गेट कर रहे थे, फिर सम कर रहे थे, एट्रीब्यूट सेट कर रहे थे, फिर दूसरे सर्वलेट पे हम लोग एट्रीब्यूट्स को निकाल रहे थे, और फिर प्रिंट कर रहे थे, रिस्पॉन्स दे रहे थे दूसरे सर्वलेट के इस पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों के बीच में भी शेयर करिए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने वाले हैं प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और ये एब्सोल्युटली फ्री हैं, कोई भी चार्ज आपको नहीं देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।